हाय गाइस, वेलकम टू आरोग्य फिजियो टिप्स। आपका आरोग्य फिजियो टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोनिंग। हर कोई प्रोनिंग के बारे में बात कर रहा है। प्रोनिंग कोविड पेशेंट्स के केस में बहुत बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, क्यों इफेक्टिव है पहले हम ये जानते हैं। प्रोनिंग होता क्या है? उल्टे लेटने की प्रक्रिया को हम प्रोनिंग देते हैं। टू लाई डाउन ऑन योर टमी वी कॉल इट प्रोन पोजिशन। ओके, नाउ व्हाई इज इट बेनिफिशियल इन द केस ऑफ कोविड 19 इज बिकॉज इन कोविड 19 और कोरोना पेशेंट्स द लंग्स इज गेटिंग अफेक्टेड। सो योर SpO2 दैट इज योर ऑक्सीजन इन योर ब्लड इज कमिंग डाउन। ओके, नाउ व्हेन वी पुट दैट ऑक्सीमीटर हेयर एंड वी सी द रीडिंग एंड इट इज गोइंग बिलो 94, यू शुड स्टार्ट प्रोनिंग। जब आपका ऑक्सीमीटर 94 का नंबर दिखा रहा है तो आप प्रोनिंग चालू कर सकते हैं। प्रोनिंग से क्या होता है कि जब आप सीधे लेटते हैं तो आपका हार्ट का प्रेशर भी लंग्स पे जाता है, आपका लीवर का प्रेशर भी लंग्स पे जाता है, जो ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। पर जैसे और ग्रेविटी भी जो है, ये मसल्स जो डायफ्राम आपका मसल्स है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। बट जैसे ही आप उल्टे पोजीशन में लेते हैं, एज सून एज यू लाई डाउन प्रोन द प्रेशर गेट रिलीव्ड फ्रॉम द लीवर फ्रॉम द हार्ट एंड यू ऑक्सीजनेट मच बेटर। सो जैसे ही आपका SpO2 ऑक्सीमीटर में 94 शो कर रहा है, आप प्रोनिंग स्टार्ट कर लीजिए। डोंट गेट पैनिक्ड, कीप डीप ब्रेथ इन एंड आउट, लंबी सांस अंदर ले और लंबी सांस छोड़े एंड यू स्टार्ट प्रोनिंग। फॉर प्रोनिंग वी मे नीड अराउंड 5 पिलोज। इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद पिलोज यू कैन डू द प्रोनिंग विदाउट द पिलोज। आई एम शोइंग विद पिलोज, मैं पिलो के साथ आपको प्रोनिंग दिखा रही हूं। अगर आपको अनकंफर्टेबल होता है पिलो के साथ तो आप पिलो हटा सकते हैं। तो 2 पिलो 3 पिलो सीधा ऐसे कर देना है, 1 पिलो सर के पास। तो आप उल्टा लेट जाइए, आपका दोनों हाथ एक एक पिलोज पे और आपके नी के नीचे 1 पिलो एंड इस पोजीशन में जितनी देर हो सके उतनी देर तक लेटे रहिए। 30 मिनट से 2 घंटे तक आप लेट सकते हैं। फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स यू कैन बी इन दिस पोजीशन। ओके, when you feel uncomfortable that okay after 30 minutes you start feeling uncomfortable in this position, then what you do is you get into the right side। aap daini taraf mud sakte ho, daini taraf mud ke 1 pillow pair ke niche aur 1 pillow right hand ke niche aap rakh dijiye aur is position mein aap rahenge again 30 minutes to 2 hours। जब आपका 30 मिनट्स इस पोजीशन में खत्म हो जा रहा है, जब आपके 30 मिनट इस पोजीशन में खत्म हो जा रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी स्लेप्ट इन दिस पोजीशन कंफर्टेबली फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, देन यू सिट। आप बैठ सकते हैं बैक सपोर्ट से। ओके, थोड़ा सा स्लैंटिंग बैठेंगे, 45 डिग्री टू 60 डिग्री, और 1 पिलो आप पैर के नीचे डालेंगे। ओके, and sit comfortably in this position again for 30 minutes to 2 hours। okay, so इस position में आप आराम से 30 minute से लेकर 2 घंटे, जब 30 minute हो जाए इस position में तो आप left side लेट सकते हैं, again वैसे ही जैसे आप right side लेते थे। और ये एक पैर के नीचे पिलो और एक हाथ के नीचे पिलो। अब मैं लेफ्ट साइड लेट गई हूं, अगेन फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, एंड देन यू कैन गो बैक टू प्रोनिंग और यू कैन गेट अप एंड स्टार्ट हफिंग and try to take out the sputum. The sputum will also come out very well and you would have oxygenated very well. अगर आपको चारों पोजीशन में नहीं लेटना है और सिर्फ उल्टे लेटना है तो आप उल्टे भी लेट सकते हैं, एंड दैट इटसेल्फ विल इंक्रीज योर SpO2। तो अगर आपका 94 से कम आ रहा है, इफ योर SpO2 इज कमिंग बिलो 94, ट्राई प्रोनिंग। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट इट कैन हेल्प मेनी मोर।